90 के दशक की एक्ट्रेस रंभा, जिसकी खूबसूरती के थे लाखों लोग कायल। सलमान खान, अक्षय कुमार, गोविंदा और अनिल कपूर जैसे तमाम बड़े सितारों के साथ रंभा ने स्क्रीन शेयर किया था। दक्षिण से लेकर बॉलीवुड तक फिल्मों में रंभा का भारी रंग दिखा था, या फिर ये कहें कि उनकी भारी मांग थी। उनकी कई फिल्में सुपरहिट भी साबित हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो करियर के पीक पर एक्ट्रेस ने बॉलीवुड इंडस्ट्री भी छोड़ दी। इतना ही नहीं, उनके आत्महत्या करने की भी अफवाह हुई थी। आखिर कहाँ है रंभा और क्यों छोड़ा था उन्होंने अपना फिल्मी करियर, इस खबर में यानी कि सपोर्ट में चलिए आपको बताते हैं उनसे जुड़ी ये सभी बातें। जाने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रंभा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। उनकी पहली फिल्म उल्ला ताई अलिता थी, जिसमें वो साउथ एक्टर कार्तिक के साथ नजर आई थी। फिल्म बेशक फ्लॉप रही, लेकिन लोगों का ध्यान मूवी के सुंदर एक्ट्रेस रंभा ने खींचा। रंभा ने तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, बंगाली और हिंदी समेत कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। बॉलीवुड में सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। उन्होंने जुड़वा और बंधन जैसी फिल्मों में साथ काम किया। ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। बताते चले कि रंभा उनमें से एक है जो अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखती है। एक्ट्रेस ने ना कभी अपनी लव लाइफ को लेकर बातें की और ना ही कभी इसको लेकर कोई सुर्खियां बटोरी। अभिनेत्री ने अपने करियर के पीक पर साल 2010 में कनाडा के श्रीलंकाई तमिल बिजनेसमैन इंद्रान पद्मनाथन से शादी की थी। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। एक्ट्रेस दो बेटियां और एक बेटे की माँ हैं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। शादी के 2 साल बाद रंभा के तलाक की खबर भी सामने आई, लेकिन फिर पति के साथ सुलह कर वो एक अच्छी लाइफ जीने लगी। आखिर रंभा ने आत्महत्या क्यों की थी, क्या थी इसके पीछे की वजह, आइए जान जाते हैं। दरअसल 2008 में जब मीडिया ने रंभा की बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाने की बात सामने आई थी, तो लोगों को लगा कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। हालांकि बाद में खुद एक्ट्रेस ने इस खबर को अफवाह करार दिया था और सफाई दी थी कि मेरे घर में लक्ष्मी पूजा थी और मैं पूरे दिन निर्जला उपवास रखा था, जिसके चलते ऐसा हुआ था, मैं बेहोश हो गई थी। बता दें कि 2011 में आई मलयालम फिल्म स्टार रंभा के करियर की आखिरी फिल्म रही। हालांकि छोटे पर्दे पर भी वो नजर आई, लेकिन यहाँ से वो कुछ खास चर्चा बटोर नहीं पाई। सलमान खान की फिल्म जुड़वा 1997 से बॉलीवुड में पहचान बनाने वाली साउथ एक्ट्रेस रंभा 45 साल की हो गई और 5 जून 1976 को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मी रंभा का असली नाम विजयलक्ष्मी है। उन्होंने 1992 में आई तेलुगु फिल्म आ उकट्टी अड़ुकू से डेब्यू किया। 17 बॉलीवुड और 100 से ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्मों में काम कर चुकी रंभा फिलहाल ग्लैमर की दुनिया से दूर बच्चों की परवरिश कर रही है। रंभा का नाम एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने कम उम्र में डेब्यू किया है। उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म की थी तो उनकी उम्र महज 16 साल थी। पढ़ाई छोड़कर रंभा ने 1995 में फिल्म जल्लाद से बॉलीवुड में एंट्री की और इसके बाद दानवीर, जंग, कहर, जुड़वा, सजना, घरवाली बाहर वाली, बंधन, मैं तेरे प्यार में, पागल, क्रोध, बेटी नंबर 1, दिल है दिल में, प्यार दीवाना होता है सहित कई फिल्मों में काम किया। वो सलमान के अलावा रजनीकांत, गोविंदा, अक्षय कुमार, अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार के साथ काम कर चुकी हैं। हालांकि रंभा लंबे समय से फिल्मों से गायब हैं। आखिरी बार वो 2011 में आई और मलयाली फिल्म स्टार में नजर आई। फिल्मों से दूरी बनाने के बाद रंभा ने 8 अप्रैल 2010 को बिजनेसमैन इंद्र कुमार पद्मनाथ से तिरुमला से शादी की। रंभा पति और 3 बच्चों की के साथ कनाडा में रहती हैं। 13 जनवरी 2011 को रंभा की बड़ी बेटी लान्या और 31 मार्च 2015 को छोटी बेटी साशा का जन्म हुआ। 2018 में उनके बेटे का जन्म हुआ। बताते चले कि हैदराबाद पुलिस ने जनवरी 2017 में समन भेज कर रंभा को जल्द से जल्द कोर्ट पहुँचने का ऑर्डर दिया था। दरअसल रंभा के खिलाफ उनके भाई की पत्नी पल्लवी ने केस दर्ज कराया। इस केस में पल्लवी ने अपने पति के अलावा रंभा और उनके अन्य फैमिली मेंबर्स के खिलाफ 2014 में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। बता दें कि पल्लवी ने 1999 में रंभा के भाई से शादी कर ली थी। बताते चले कि 2008 की बात है ये, जब रंभा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले भर्ती करवाया गया था। इस घटना के बाद बात ये आई थी सोशल मीडिया में कि उन्होंने सुसाइड की। हालांकि बाद में इस घटना पर रंभा ने सफाई भी दी थी कि उन्होंने सुसाइड करने की कभी कोशिश ही नहीं की। उन्होंने मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके घर में पूजा थी और उन्होंने पूरा दिन फास्ट रखा, जिसकी वजह से उन्हें शूटिंग करनी थी और वो थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके शूटिंग पर चली गई। शूटिंग के दौरान वो बेहोश हो गई और उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 जनवरी 2011 को रंभा की बड़ी बेटी लाने और 31 मार्च 2015 को वो उनकी छोटी बेटी शाशा का जन्म हुआ। बताते चले कि हैदराबाद पुलिस ने जनवरी 2017 में समन भेज कर रंभा को जल्द से जल्द कोर्ट पहुँचने का ऑर्डर दिया था। दरअसल रंभा के खिलाफ उनके भाई की
और उनकी पत्नी पल्लवी ने केस दर्ज कराया था। इस केस में यह था कि पल्लवी ने अपने पति के अलावा रंभा और उनके अन्य फैमिली मेंबर्स के खिलाफ 2014 में दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया था। बता दें कि पल्लवी ने 1999 में रंभा के भाई से शादी की थी। बाद 2008 की है जब रंभा को बेहोशी की हालत में अस्पताल भर में भर्ती कराया गया था। यहाँ तक कि ये भी है कि रंभा की लाइफ काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव भरी रही है। रंभा ने अपने करियर की पीक पर पहुंचकर शादी कर ली। उन्होंने 2010 में कनाडा के रहने वाले बिजनेसमैन से शादी की और इस फर्म का नाम था मैजिक वुड्स है। रंभा की दो बेटियां हैं, एक बेटा है जो कि कनाडा में ही पढ़ते हैं। रंभा की बेटियों के नाम है पद्मावती संभा और लावण्या पद्मनाथा। वहीं रंभा की बेटी का नाम है शिवन जो सबसे छोटा है। रंभा की पहली बेटी लावण्या का जन्म 2011 में हुआ जबकि दूसरी बेटी एक्ट्रेस का जन्म 2015 में हुआ। वहीं रंभा ने 2018 में बेटे शिवन को जन्म दिया। रंभा ने जब फिल्मों को अलविदा कहा तो फैंस को बड़ा झटका लगा था। हर कोई हैरान था कि रंभा ने करियर के पीक पर क्यों फिल्में क्यों छोड़ी। और इसकी वजह रंभा ने 2009 में मिड डे को दिए गए इंटरव्यू में बताई। ने कहा था कि नाम के लिए काम करना और काम के बाद भी कोई पहचान न मिले तो ऐसा काम का क्या फायदा, इससे बेहतर है कि वो घर पर रहे और परिवार संभाले। रंभा ने बताया कि वो फैमिली के अलावा अपने प्रोडक्शन का काम संभाल रही है। बीच बीच में उन्होंने कुछ बंगाली और भोजपुरी फिल्मों में भी करिश्मा दिखाया। और रंभा ने यह भी बताया कि हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, उनकी ज़िंदगी और करियर में भी काफ़ी उथल पुथल रही। रंभा के मुताबिक उन्हें हिंदी फिल्मों में छोटे रोल मिल रहे थे और उन्हें उनमें भी डिमांड की जाती थी कि वो वैश्या बने, लेकिन रंभा ने वो सारे रोल और फिल्मों को ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। रंभा ने कहा था कि वो अच्छा काम करना चाहती है, कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिसके बाद में जाकर उन्हें पछतावा हो। करियर के साथ साथ रंभा की निजी ज़िंदगी में भी काफ़ी परेशानियाँ रहीं और तक कि बीच में उनके और पति इंद्र कुमार के बीच मनमुटाव की खबरें आईं। बाद में तलाक और बच्चों की कस्टडी तक पहुंच गई। हालांकि बाद में रंभा ने सब कुछ सॉर्टेड कर लिया। बताते चले कि रंभा ने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में सहा है। एक औरत का दर्द समझ सकती है, ऐसी ही चीज़ें आई थी। रंभा ने अपनी लाइफ में अपने फिल्मी करियर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। बताते चले कि रंभा की काफ़ी ज़्यादा फिल्में आई हैं जिसमें सलमान खान उनके ज़्यादा अपोजिट रोल में दिखे हैं। वहीं रंभा की लाइफ में भी चीज़ें रही हैं। रंभा का जन्म हुआ था 15 तारीख को और उन्होंने अपनी फैमिली के साथ ही अपनी चीज़ें स्टार्ट की। फिर वो बॉलीवुड में आई, साउथ से तमिल से फिर उसके बाद बॉलीवुड में डेब्यू करना एक सारी नई चीज़ें थी रंभा के लिए। रंभा ने काफ़ी कुछ सीखा है अपनी इस लाइफ से, अपनी इस जर्नी से। वैसे उन्होंने ये भी सारी चीज़ें कही कि फिल्मों में आके उन्हें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला और अपनी लाइफ अब वो शादी के बाद काफ़ी खुशहाल और खुशी बता रही हैं। उन्हें काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला चीज़ों से और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी लाइफ को आगे इसी तरह से कंटिन्यू करना चाहती हैं अपने पति और अपने बच्चों को संभाल के। बताते चले कि रंभा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु सिनेमा से की थी। उनकी पहली फिल्म उल्लत्ता ताई अलेता थी जिसमें कि वो साउथ एक्टर कार्तिक के साथ नजर आई थी। फिल्म बेशक फ्लॉप रही लेकिन लोगों का ध्यान मूवी के सुंदर एक्ट्रेस रंभा ने अपनी ओर खींच लिया था। रंभा ने तेलुगु, तमिल, भोजपुरी, बंगाली और हिंदी समेत कई भाषाओं के फिल्मों में काम किया है। बॉलीवुड में सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही, जैसा कि हमने पहले भी बताया। उन्होंने जुड़वा, बंधन जैसी फिल्मों में साथ में काम किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई। रंभा में से एक है जो अपनी निजी जिंदगी को लाइमलाइट से दूर रखती हैं। एक्ट्रेस ने कभी अपनी लव लाइफ को लेकर बातें नहीं की और ना ही कभी इसको लेकर कभी कोई सुर्खियां बटोरी। बता तो चले कि अभिनेत्री ने अपने करियर को पीक पर ही साल 2010 में कनाडा के श्रीलंकाई तमिल बिजनेसमैन इंद्रान से शादी की थी। इसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया और पर्सनल लाइफ में बिजी हो गई। एक्ट्रेस दो बेटियों और एक बेटी की माँ है और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन जी रही हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं।